हमारा धर्म है, तिरंगा हमारा निशान है और यही हमारी पहचान है। उत्तर भी हमारा है, दक्षिण भी हमारा है, पूर्व भी हमारा है, पश्चिम भी हमारा है। सीना खोल के देख लो, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। जब दुश्मन की ललकार होती है तो हाथ पैरों में जवानी नाचती है और हाथों में ताकत आ जाती है। सीने सुलगने लगते और आंखें चस उठती हैं। दिल और दिमाग सर्वोच्च करता है युद्ध की कलाओं के लिए। इंच कटते जाते हैं लगा के वतन जख्मों पर, वतन की मिट्टी आगे बढ़ते जाते हैं और विजय परचम लहराते हैं, तब सैनिक कहलाते हैं। तपते रेगिस्तान पर उछाले मारते हैं, नदी नालों को क्रश करते हुए, जंगलों को चीरते हुए, पहाड़ों के सीने पर चढ़ जाते हैं, बर्फीली हवाओं के थपेड़े खा खा करके शीशा पिलाए दीवार की तरह खड़े रहते हैं, तब सैनिक कहलाते हैं। हवा में परवाज करते हुए, समुद्रों की लहरों पर बैठ करके दुश्मन से टकरा जाते हैं, दुश्मन को चूर चूर कर देते हैं, तब सैनिक कहलाते हैं। और आज मैं देख रहा हूं कि मेरे युवा जो मानव सेवा करने वाले, स्वास्थ्य प्रदान करने वाले, जो जाति और धर्म नहीं देखते, क्षेत्र और भाषा नहीं देखते, आज आपके अंदर भी मैं मेरे सैनिकों का अस्तित्व देखता हूं। और यह बड़ी विनम्र है कि इमरजेंसी के टाइम में आप लोगों से सेवा ली गई और आज जब इमरजेंसी को पूरा कर लिया और अपना इस टारगेट को पूरा किया और इस महामारी के दौर में आप लोग उस दौर में गुजरे हो और घर घर तक गए हो और लोगों को वैक्सीन लगा करके जो उनको स्वास्थ्य का जो प्रोटेक्शन दिया है वो बहुत सराहनीय है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि हर हाल में आपकी सेवा जारी रहे। अगर संख्या बल ज्यादा है तो 12 घंटे ड्यूटी लेने की जरूरत नहीं है, 6-6 घंटे कर दीजिए। हमारे देश में आबादी की कमी नहीं है, 6 घंटे काम लिया जाए, 8 घंटे 12 घंटे की जगह। आज हम देख रहे हैं खुली आंखों से, ठेका प्रथा के माध्यम से शारीरिक शोषण है और